आज की इस वीडियो में मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करने जा रहा हूँ Redmi Note 7 और Realme 3 के बीच में, और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी प्रेस करना है, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ और आप मुझे सपोर्ट करें मुझे सब्सक्राइब करके। माई नेम इज नमन, यू आर वॉचिंग tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे हिसाब से आजकल के जो फोन्स है, स्पेशली बजट फोन्स जो हैं, वो एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। उसका जो मेन फायदा है वो पब्लिक को हो रहा है, थम्स अप फॉर दैट। बट सीन क्या है ना कि आज के जो चाइनीज फोन है, स्पेशली चाइनीज फोन जो 10,000 से 15,000 के बीच में आते हैं, उनके बीच में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। कोई अगर एक फ़ोन किसी कम प्राइस में अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहा है, तो कुछ महीने बाद दूसरा फ़ोन आता है और वो उससे अच्छे स्पेसिफिकेशन दे देगा और उससे भी कम प्राइस में। तो उसी की तरह दो फ़ोन Redmi Note 7 और Realme 3 जो अभी एक दो दिन पहले रिलीज़ हुए हैं, वो भी चल रहे हैं। तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि उन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा पूरी स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करके कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। डिज़ाइन और बिल्ड की बात कर लेते हैं, तो Redmi Note 7 जो है वो आपको ग्लास के साथ मिल जाएगा आगे पीछे दोनों, और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और इसके जो ग्रेडियंट कलर है वो ब्लू, रेड और आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा। इसका जो वेट है वो 185 ग्राम है, और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पीछे ही है, रियर में ही है। अगर बात करते हैं Realme 3 के, तो Realme 3 में ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है पीछे, और इसमें आपको ग्रेडियंट कलर भी मिल जाएगा। जो इसके ग्रेडियंट कलर है वो ब्लू, पर्पल और एक दो कलर और हैं, वो जो आगे लॉन्च करने वाले हैं वो है। इसका भी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो रियर ही है, पीछे ही आपको मिलेगा। तो इसकी वेट जो है वो 10 ग्राम का अंतर आ जाता है Realme 3 और Redmi Note 3 में, क्योंकि जो Redmi Note 3 है उसका जो वेट है वो 185 ग्राम है और Realme 3 का वेट है वो 175 ग्राम है। अगर आप फ़ोन को पकड़ते हैं तो Realme 3 बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें Redmi Note 7 में ग्लास है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। और इसके अगर बटन्स वगैरह की बात करें तो नॉर्मल बटन्स ही हैं, जैसे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर का आपको बटन मिल जाता है। लेकिन जो डिज़ाइन में जो मेन चेंजेस जो आए हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, Redmi Note 7 आपको टाइप सी का सपोर्ट दे रहा है। पहली बार टाइप सी जो है वो 10,000 के रेंज में Redmi Note 7 या Xiaomi लेकर आ रहा है। तो आप टाइप सी के फ़ैन हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। टाइप सी से जो चार्जिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, और आज के टाइम पे जो टाइप सी है उसका ट्रेंड बढ़ गया है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप जो Xiaomi ने लिया है। तो इस डिज़ाइन बिल्ड के मामले में मेरे हिसाब से जो क्लियर विनर है वो Xiaomi का फ़ोन है। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो Redmi Note 7 में आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाएगा, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 2340x1080p का रेजोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो 5:9 का मिल जाएगा। और Realme 3 की अब हम बात करते हैं, तो उसका भी जो डिस्प्ले है वो आपको फुल HD प्लस मिलेगा, लेकिन जो उसका रेजोल्यूशन है वो 1520x720p आपको मिलेगा। तो रेजोल्यूशन लो है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7, और इसमें Redmi Note 7 में आपको इन सेल LCD करके टेक्नोलॉजी वो भी मिल जाती है, जो स्क्रीन रेजोल्यूशन को बहुत एडवांस बना देती है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर है Redmi Note 7। अगर हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो Redmi Note 7 में आपको Snapdragon 660 का चिपसेट मिल जाएगा, और Realme 3 में आपको MediaTek का Helio P70 आपको मिलेगा, जो आपने Realme U1 में देखा था। और 4GB 64GB का सपोर्ट मिलेगा आपको Redmi Note 7 में, सेम 4GB 64GB का सपोर्ट आपको Realme 3 में मिल जाएगा। एक्सपेंडेबल की अगर बात करें तो डेडिकेटेड स्लॉट दिया है Realme 3 के अंदर, जिस मतलब आप उसमें माइक्रो SD अलग से लगा सकते हैं, लेकिन Redmi Note 7 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप एक सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड या फिर ड्यूअल सिम विदाउट मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर की, तो जो Redmi Note 7 है उसका बेंचमार्क स्कोर क्लियरली हाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, और जो Realme 3 है उसका लो है। तो मेरे हिसाब से जो Snapdragon 660 का जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है, मतलब उतना लो भी नहीं है Realme 3 का, लेकिन बेटर है Helio P70 से। तो परफॉर्मेंस वाइज भी Redmi Note 7 जो है वो क्लियर विनर, मेरे हिसाब से जो है क्लियर विनर। अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो दोनों जो है वो Android 9 Pie के साथ आपको मिल जाएंगे,
और Redmi Note 7 में जो आपको कस्टम रोम मिलेगी वो MIUI 10 का सपोर्ट मिल जाएगा, और वही Realme 3 में आपको कलर OS मिलेगा जो आप Oppo के फ़ोन में देखते हैं। तो दोनों अपने अपने कस्टम रोम चलाता है। MIUI का परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी और जो फीचर वाइज जो अगर बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो उसके अपडेट्स वगैरह होते हैं वो फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो मुझे जो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो MIUI है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो मेरे लिए Redmi Note 7 का सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। तो अब अगर बात करते हैं कैमरे की, तो Redmi Note 7 में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, और इसका जो एपरेचर है वो f2.2 आपको एपरेचर मिल जाएगा, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, और Realme 3 जो है उसका रियर कैमरा जो है वो 30 मेगापिक्सल का है, और इसका जो एपरेचर है वो f1.8 एपरेचर है, और इसमें भी आपको फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। तो स्लाइटली बेटर है Realme 3 में एज कम्पेयर टू Redmi Note 7। तो कैमरे में थोड़ा सा जो 19-20 का फर्क है, मतलब 19 पे Redmi Note 7 है और 20 पे Realme 3 है, तो कैमरे में स्लाइटली बेटर है Realme 3। अब अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो आपको Redmi Note 7 में 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और Realme 3 में आपको 4230 mAh की बैटरी मिलेगी। लेकिन जो Redmi Note 7 है वो Snapdragon क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है, तो क्विक चार्ज को 10,000 रुपये में आपको क्विक चार्ज मिल रहा है। मेरे हिसाब से जो बैटरी में जो Realme 3 आपको ज़्यादा दे रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है, जो चार्जिंग जिस स्पीड से Redmi Note 7 कर रहा है वो Realme 3 आपको नहीं करेगा, क्योंकि वो क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं अगर हम, तो Realme 3 जो है वो 9,999 रुपये से स्टार्ट है, और Redmi Note 7 है वो 9,999 रुपये से स्टार्ट है। 1,000 का फ़र्क है स्टार्टिंग रेंज जो है इसकी, लेकिन 1,000 रुपये में अगर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, तो मेरे हिसाब से Redmi Note 7 जो है वो बेस्ट फ़ोन है। आपने अभी जितने भी स्पेसिफिकेशन देखे हैं सब में जो क्लियर विनर है वो Redmi Note 7 है। तो मैं अगर जितने भी लोग अगर फ़ोन खरीदने चाह रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं फ़ोन की, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप Redmi Note 7 के साथ जाओ, क्योंकि Redmi Note 7 एज अ स्पेसिफिकेशन भी नहीं, कंपनी भी देखें और सर्विस भी देखें तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। Realme 3 को आए हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके भी फ़ोन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब कमाल किया है मार्केट में। लेकिन आज के अभी के टाइम जो Redmi Note 7 जो लेकर आया है, क्योंकि आपको उसमें क्विक चार्ज मिल जाएगा और टाइप सी मिल जाएगा, परफॉर्मेंस वाइज स्नैपड्रैगन 660 मिल रहा है, और उसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है Realme 3 के हिसाब से। तो ओवरऑल विनर जो है वो मेरे लिए Redmi Note 7 है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा Redmi Note 7 खरीदने को। तो ये था मेरा साइड बाय साइड कंपैरिजन Redmi Note 7 और Realme 3 के लिए, और मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, अब आपके ऊपर है वो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।